ही है, और इसी कारण उनकी विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण ही, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण ही वो अलग अलग तिथियां बताई जाती हैं, जन्म स्थान कहीं अलग अलग बताया जाता है, शादी कब हुई वो लगभग 1516 के आसपास में बताया जाता है मूल रूप से, और 1523 के आसपास में इर्द गिर्द उनके पति भी चले जाते हैं, पर फिर उसके बाद में उनके जीवन में क्या क्या घट रहा था उसका ऐतिहासिक उल्लेख नहीं था कहीं पर भी। वो छोड़कर गई इसका वर्णन कहीं मिलता है ज्यादातर प्रियादास की भक्तमाल में या कहीं है, तो उनके पीहर ने याद किया कुछ हद तक मीरा को, मेड़ता की छात में उनका कहीं उल्लेख है, पर ऐतिहासिक संदर्भ में वहां नहीं है, 100-200 सालों तक नहीं है। जनश्रुतियों ने, किंवदंतियों ने, आम जनता ने मीरा को याद रखा, दूसरे लोगों ने, राजकीय परिवार ने, उन लोगों ने, के लिए वो नगण्य है। जिस चित्तौड़ की बात की जाती है उसमें तीन स्त्रियां बड़ी प्रमुख किरदार वाली मानी जाती हैं, पद्मिनी, मीरा और पन्नाधाय। पन्नाधाय समकालीन है मीरा की, पन्नाधाय का बहुत उल्लेख है ऐतिहासिक चीजों में क्योंकि वो राजकीय वर्ग की वफादारी निभा रही थी, लेकिन मीरा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उनके लिए मीरा नगण्य है, मीरा का संदर्भ ही नगण्य है। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जनता के लिए इंपॉर्टेंट थी, या 100-200 साल में बाद में महत्वपूर्ण हुई, उनके लिए मीरा एक सामान्य स्त्री थी जिसको दबाया जाए दबाया जाए, उसकी कोई इच्छा का कोई विशेष महत्व नहीं है। मीरा के लिए वो महत्वपूर्ण जरूर था संघर्ष। तो उस मीरा के प्रेम के संदर्भ में उनकी एक पड़ताल की जाए तो सिर्फ उनकी जकड़बंदी को देखा जाए, शादी हुई, पति कुछ दिनों तक रहे फिर चले गए, उन्हीं मध्यकालीन मान्यताओं में उन्हें कल्पना कीजिए सती होने की प्रेरणा मिली होगी, उससे बची, फिर उसको चार दीवारी में बंद करना, हिंदू विधवा का कैसा जीवन है, बाल विधवा का कैसा जीवन है, उस बीच में भी मीरा उन चीजों को स्वीकार नहीं करती, उसे लगता सारे बंद हो रहे हैं, ये चीजें मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे रोका जा रहा है, मेरी मन की बात कहने से रोका जा रहा है। जो बीजांकुर बचपन के थे कृष्ण के प्रति, जो जीवन की ललक थी स्त्री के रूप में, वो चुप होने वाली नहीं थी कि सब कुछ पुरानी परंपराओं के अनुसार अपने आप को ढाल ले। उनका ये संघर्ष न केवल सामाजिक था, न केवल राजकीय सत्ता से था, बल्कि धार्मिक सत्ता से भी था। राज सत्ता में बार बार राणा का उल्लेख होता है जो प्रतीक है, संकेत है, केवल राणा नहीं, राणा मतलब पूरा राजकीय संदर्भ, वो सारा का सारा नहीं लागे थारो देशड़लो रंग रूड़ो, वो देशड़ला रंग